अभी सिर्फ एक ही बॉल बचा है और मुझे जीतने के लिए 10 रन की जरूरत है। क्या सामने वाला बंदा नो बॉल डालेगा? अगर नो बॉल डालेगा तो मैं जीत जाऊंगा। अभी देखते हैं सामने वाला क्या डालता है। और ये नो बॉल। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए मज़ेदार से वीडियो में। आज मैंने मालबोनिया में 60,000 वाला टूर्नामेंट स्टार्ट कर दिया है और देखते हैं सामने वाला बंदा कैसे खेल पाता है कैसे नहीं। सामने वाले बंदे के पास हरदीप है और मैं हमेशा की तरह एक फास्ट बॉलर, एक लेग स्पिनर और एक ऑफ स्पिनर लेके खेल रहा हूँ। बाकी देखते हैं क्या होता है। मैं बंदे को टाइमर आने तक वेट करवाया और मैं इसे भास्कर से फास्ट बॉल डालने की कोशिश करूंगा। अभी मुझे बस ट्राई करना है कि फास्ट बॉल पे कैसे रिएक्ट करता है। इस वाले बॉल पे तो ये बंदा थोड़ा सा लेट हुआ है, ज़्यादा लेट नहीं हुआ पर थोड़ा सा लेट हुआ है। अभी मैं कोशिश करूँगा कि इसे स्लोअर वन डालूँ, क्योंकि अगर इसमें ये लेट हुआ तो स्लोअर रन पर ऐसे जल्दी बैट घुमा देगा और आउट हो सकता है। बाकी देखते हैं, थोड़ी देर उसे वेट करवाते हैं, थोड़ी देर उसे तड़पाते हैं उसका पेशेंस लेवल के साथ। ये देखो भाई, अभी स्लोअर बॉल डालता हूँ, देखते हैं कैसे खेलता है ये बॉल। भाई साहब, इस बॉल को भी सेम तरीके से खेला, इस बॉल पे भी थोड़ा सा लेट हुआ है बंदा, थोड़ा सा ज़्यादा अगर लेट होता तो ये बोल्ड हो सकता था। अभी शायद से ये भास्कर को यूज़ करने के बदले मुझे सुहास या जेम्स को यूज़ करना चाहिए। बाकी देखते हैं, जेम्स को इसको एक लेग स्पिन डालता हूँ। पहले मैंने भास्कर दिखाया, जैसे ही टाइमिंग आया तभी सुहास मतलब लेग स्पिन डाल रहा हूँ अभी। अरे यार, इस वाले के बॉल को ये अर्ली खेल गया, तभी वो स्लो खेल रहा था, अभी अर्ली खेल रहा है। बाकी देखते हैं क्या होता है। फिर से मैं सेम उसी तरीके से बॉल डालूंगा, लेकिन मैं अभी कोई और बॉलर दिखाता हूँ उसे अभी सुहास दिखाते हैं। सुहास अभी उसे लगे कहीं मैं ऑफ स्पिन डालूंगा, लेकिन मैं दोबारा से लेग स्पिन डालने की कोशिश करूँगा। बाकी देखते हैं क्या होता है। टॉप स्पिन डाल दूँ क्या? नहीं, टॉप स्पिन नहीं डालते, लेग स्पिन ही डालते हैं दोबारा से। अभी ये बंदा बाहर खड़ा है, देखते हैं कि अरे ये पता चल गया इसे, ये अंदर आ गया दोबारा से। फिर से देखते हैं कितना रन मारता है ये। अरे भाई, इसने तो 6 मार दिया यार। मैं सोच रहा था कि टॉप स्पिन डालो, टॉप स्पिन डालता तो शायद से कंफ्यूज हो जाता। मैंने लेग स्पिन ही डाला और इसने 6 मार दिया। 17 रन हो चुके हैं, आखिरी के 2 बॉल बचा हुआ है। देखते हैं, सुहास का यूज़ करवा के मैं भास्कर को यूज़ करने वाला हूँ। सुहास दिखा के भास्कर डालूंगा सीधा, देखते हैं क्या होता है इसका। अभी बहुत ज़्यादा स्विंग तो नहीं हुआ, फिर भी इस बंदे ने येल्लो एरिया से हिट किया। इस बंदे को इस बॉल पर दिक्कत हुई तो मैं एक और बार इसी तरीके से बॉल डालूंगा। फिर से मैं मैक्सिमम स्विंग के साथ भास्कर के साथ ही इन स्विंग करके बॉल डालने की कोशिश करूँगा। देखते हैं, इस बार ये बंदा तो बोल्ड हो जाना चाहिए, क्योंकि इस बार इसे दिक्कत हुई है तो फिर से मारने पर शायद से बोल्ड हो जाए। बाकी देखते हैं क्या हुआ है। नहीं यार, इस बार ये बंदा समझ गया और पहली बार से अच्छी तरह से। अरे यार, फील्डर थोड़ी सी आगे होता तो कैच आउट हो जाता, बोल्ड नहीं हुआ तो। बाकी इसने 22 रन बना लिया है, मुझे 23 रन बनवाना पड़ेगा। सामने वाले बंदे के पास भी मतलब अच्छे खासे लेवल के बॉलर्स हैं। स्टीव है, भास्कर है और एक सुहास है। ये भास्कर का यूज़ करेगा तो मैं 6 बॉलों पे 6 छक्के मार दूंगा भाई। बाकी स्टीव को मैंने खेला नहीं है उतना ज़्यादा, स्टीव का मेरे को भरोसा नहीं है। बाकी ये सुहास लेके आ रहा है, अरे स्टीव लेके आ गया यार। स्टीव को मैंने नहीं खेला, स्टीव के ऊपर मेरा इतना भरोसा नहीं है। बाकी देखते हैं क्या होता है। ये गुड लेंथ से हिट हुआ है, बाउंड्री जाएगा क्या? नहीं भाई, बाउंड्री के पास फील्डर है तो 3 रन तो मिल ही जाएंगे इस वाले बॉल में। बाकी देखते हैं कितना, ये 3 रन मिल गया। अभी अगला बॉल देखते हैं कौन सी कैरेक्टर का यूज़ करके डाल। इसे भास्कर से डालना चाहिए यार, भास्कर तो मैं बहुत अच्छा खेलता हूँ। भास्कर डालेगा तो 6 बॉल पे 6 छक्के भी मार सकता हूँ मैं भाई। वो कितना लेवल का भास्कर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुहास लेके, ये तो वाइड जाएगा भाई। हाँ, ये वाइड गया, कुछ ज़्यादा ही ऑफ स्पिन हो गया था, मुझे पता था पहले से ही कि वो वाइड चला जाएगा। अभी फिर से स्टीप लेके आ रहा है भाई, इसे पता है कि मैं स्टीप से दिक्कत होती है मुझे। फिर से गुड लेंथ से हिट हुआ और उधर ही बाउंड्री के पास ही एक फील्डर खड़ा है भाई। क्या फालतू फील्डर है ये, हर बार उधर ही बॉल को पकड़ रहा है, थोड़ी देर होता तो बाउंड्री चला जाता है। ये भी बार बार बचा है बाउंड्री। फिर से देखते हैं, फिर से ये सुहास लेके आ रहा है। इसको क्या वाइड डालने का मज़ा आता है क्या? ये फिर से वाइड चला जाएगा ऐसा ऑफ स्पिन होगा तो। नहीं, इसने मतलब वो डाला था, टॉप स्पिन डाला था। फिर से 3 ही रन मिला भाई, फील्डर उधर ही पकड़ रहा है भाई। अबे सुहास तो टॉप स्पिन डालता ही नहीं है, इसने बैक स्पिन डाला था। बाकी आपको अगर वीडियो पर मज़ा आ रहा है तो सब्सक्राइब याद से कर लेना चैनल को, और वीडियो को अच्छी तरीके से लाइक कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक ना करते हो ना ही सब्सक्राइब करते हो। बाकी देखते हैं ये सुहास क्यों ला रहा है, इसे वाइड डालने का मज़ा आता है शायद से। फिर से एक और वाइड डाल दिया, अभी 11 रन हो चुके हैं, मुझे आखिरी के 3 बॉल पे 13 रन की ज़रूरत है। बाकी देखते हैं, 2 छक्के अगर हो जाते हैं तब काम बन जाएगा। ये स्टीव, अबे यार मैं पीछे क्यों मारने की कोशिश कर रहा था, वो जो ब्लू ब्लू लाइन था ना उसके अंदर से मुझे बॉल दिखा ही नहीं। ये देखो, ये खींचने पर जो स्ट्राइकर आता है, मुझे बॉल ही नहीं दिखा। बाकी ये फिर से ओके लेन से हिट हुआ है, मेरा किस्मत ही ख़राब है भाई इस मैच में। बाकी देखते हैं कितना मिलेगा, 2 ही रन मिला। अभी आखिरी बॉल पर मुझे 10 रन की ज़रूरत है। सामने वाला बंदा अगर 9 बॉल डालता है तभी मैं जीतूंगा, वरना तो मैं जीत ही नहीं सकता भाई, क्योंकि एक बॉल में 10 रन कैसे मारूंगा मैं। ये भास्कर ले आया, भास्कर लाएगा तो मैं बहुत आसानी से मार सकता हूँ 6। बाकी इसे 9 बॉल डालना चाहिए,
ये छः तो गया लेकिन नो बॉल नहीं था यार, मैं ये मैच हार गया भाई। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना यार।